किसान बचाओ अभियान ने जिला बाल संरक्षण इकाई और जिला बाल कल्याण कमेटी पर आउटसोर्स पर रखी गई महिला कर्मचारी से 24 घंटे ड्यूटी लेकर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। अभियान के सदस्यों ने इस संदर्भ में एक ज्ञापन उपायुक्त मंडी मदन चौहान के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दिया है। किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई और जिला बाल कल्याण कमेटी आउटसोर्स पर रखी गई महिला कर्मचारियों से डरा धमकाकर 24 घंटे की ड्यूटी ले रही है। उन्होंने बीती 23 नवम्बर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जो महिला कर्मचारी को एक अनाथ बच्चे को कांगड़ा छोड़ने की जिम्मेवारी सौंपी गई है और उन्हें शाम 5 बजे के बाद एक टैक्सी के माध्यम से कांगड़ा भेजा गया। रात को वहां बच्ची छोड़ने के बाद रातों रात मंडी आकर अगले दिन सुंदरनगर में कैंप अटेंड करने को भी कहा गया। देशराज शर्मा ने बताया कि महिला कर्मचारी के परिजनों ने जब इस बारे में अधिकारियों से बात की और इसका विरोध किया तो महिला कर्मचारी को उन्हें नौकरी से निकालने की धमकियां दी गई। आउटसोर्स पर रखी गई इन महिला कर्मचारियों के साथ हो रहे इस अन्याय के संदर्भ में ही ज्ञापन भेजा गया है और कार्यवाही की मांग उठाई गई है। देशराज शर्मा का कहना है कि अगर 3 दिनों के भीतर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो फिर मंडी में अधिकारों के खिलाफ आमरण अनशन किया जाएगा। 23 नवम्बर को 5 बजे छुट्टी के बाद 2 महिला कर्मियों को एक 10 साल की अनाथ बच्ची को लेकर के गरली परागपुर कांगड़ा में भेजा जाता है। यहां से 7-8 घंटे के सफर में टैक्सी में डाल करके उनका जीवन जोखिम में डाल करके 10 वर्ष की बच्ची का जोखिम में डाल करके और इनके परिजनों को 8 बजे पता चलता है कि महिला ऐसे भेज दी गई है। इन महिलाओं को रात को 10 और यह फरमान दिया जाता है कि दूसरे दिन 8 बजे सुंदरनगर में आकर के कैंप अटेंड करना है। तो रात को 10 बजे के बाद किसी वक्त महिलाएं वहां से चलती हैं और वो हमारा फोन नहीं मिलता है। रात को 12:30 बजे फोन मिलता है और पता चलता है कि कंकठल के पास ये महिलाएं सुरक्षा के माहौल में पहुंची हैं और टैक्सी में रात को 2 बजे ये मंडी में सुरक्षा के माहौल में पहुंचती है। तो हमने ये इसमें अपने ज्ञापन में मांग की है कि इनके खिलाफ FIR करके इनको गिरफ्तार करके इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, नहीं तो हम 3 दिन के बाद आमरण अनशन पर यहां मंडी में बैठेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे और तमाम हिमाचल प्रदेश की महिला जो कर्मचारी है उनकी सुरक्षा को लेकर के हम उनसे भी आह्वान करते हैं कि वो आए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो मोर्चा खोले, ऐसे जो अधिकारी जो राक्षस बैठे हैं और ये रिटायर्ड अधिकारी रखे गए हैं इतने संवेदनशील विभाग में, हम कहते हैं कि क्यों रखे गए और पूरे मामले की इसकी जांच हो